नमस्कार किसान भाइयों, मैं ग्राम मीरपुर का रहने वाला हूँ। मदन लाल सैनी मेरा नाम है। तो आइए मैं मिर्ची के पौधे का बीज उपचार करके दिखाता हूँ। किसान भाइयों, मैं मिर्ची के पौधा का बीज उपचार करके लगा चुका हूँ। अब उसमें कुछ पौधा मर चुके हैं, इससे मैं दोबारा उपचार करके लगा रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं ये रेडीमेड गोल्ड, इससे पौधा को उपचार करके नहीं, ये सीधी जगह रखिए, उसमें दोबारा लगाने हूँ। इसमें हमें उपचार करने के लिए ये मुंह पे कपड़ा बांधने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुंह पे कपड़ा बांधा जाएगा। हाथों में मोजे की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोजे पहनना पड़ेगी। एक लीटर पानी में 2 ग्राम दवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें पानी, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा डालने पड़ेगी इसमें पौधा उपचार करने के लिए। इससे एक डंडे से इसको अब इसकी जड़ों को इसमें पौधा की जड़ें इसमें उपचार करनी पड़ेगी इसमें पानी की। इसमें 10 से 15 मिनट तक इसमें दवाई में जड़ों उसको डूबी रहना चाहिए। अब 10-15 मिनट हो चुके हैं इनको, अब इनको निकाल के नहीं, अब इनको जगह में लगाना पड़ेगा। ये खाली जगह है उसमें लगाना है। ये जड़ों में जो दवाई वो मिलाई है उसमें दवाई जड़न में फेंट चुकी है, अब इसमें कोई रोग की समस्या नहीं आएगी। जमीन जनित कोई रोग नहीं आएगा, फफूंद नाशक रोज नहीं लो। किसान भाइयों, अब मैं यहाँ जगह रह गई है, उसमें जगह को लगा के दिखाता हूँ। किसानों से अनुरोध करता हूँ कि अगर मिर्ची लगाना है तो अधिकतर पौधा उपचार करके ही लगाएं। इसमें लाभ अधिक हैं। भाइयों, मैं इसके बीज उपचार के रोग के लाभ बताता हूँ। इससे पहला लाभ तो जो ज़मीन से रोग होता है वो ज़मीन से रोग नहीं आएगा। दूसरे लिए कि उसमें उकटा रोग आता है वो उकटा रोग नहीं आएगा। अब इसमें और लाभ तो पौधे से पौधे की दूरी तो कंट्रोल में कम से कम 2 फीट की 1.5 फीट की होना चाहिए। 1.5 फीट की हवा लगता रहेगा पौधा, उसमें फल अच्छा आएगा और कोई रोग नहीं आएगा। निकलने आने जाने की विधि भी अपन को सहूलियत होती है।